माधुरी जी वन स्टेप माधुरी मैम इधर 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 थैंक यू प्लीज सर प्लीज सर चलो पीछे 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 मैम प्लीज So, ma'am, Varun and I were having a very important discussion yesterday on Insta Live, and he has not believed me कि हम जब घर मोरे परदेसिया के लिए शूट कर रहे थे, तो एक सरगम था, एक आलाप था, which we both had to sing. And Varun is saying, "Are you mad? How can Madhuri ma'am be nervous?" I said, "She said कि मैं तो nervous थी ही उनके सामने perform करने वक्त." पर वो भी नर्वस थी मुझे देखकर आई सेड नो दैट्स नॉट व्हाट आई सेड वी हैव प्रूफ आई सेड कि हम दोनों नर्वस थे सरगम को गाते आई सेड ये फीलिंग मुझे और अदित्य को हो सकती है कि तेरे को देख के हम लोग नर्वस हो जाएंगे मैम स्पीक सो आप प्लीज बोलिए कि यस वी वर बोथ वेरी नर्वस नो 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 वेट वेट मैम वी वर वेरी नर्वस क्योंकि इतनी लंबी सरगम इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी तो हम लोग सोच रहे थे कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू डू दिस राइट कैसे इसको मतलब कैसे शॉर्ट हैंड में कुछ सीख के उसको And then I just copied you. So that's what we did. Is there a hook step? To the sarga? You've been away for very long. I want to learn one of these. Let's call on stage the last but not the least, the most important member of the Kalank family, Balraj Chaudhary. Usool aur rishton ki hifazat karna Balraj ki pehchan hai. मैं कुछ आवाज से उन्हें बुलाना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ चांट करें उनका एक पेट नेम है बहुत प्यार से लोगों ने तीन चार बार बोलना पड़ेगा सर कैन वी प्लीज गेट द बिगेस्ट बाबा ऑफ आवर इंडस्ट्री संजय दत्त संजू सर आपने भी काफी सीन्स किया आपको भी नर्वसनेस हुई अरे वो बेस्ट लाइन है सरोज भाई सो दिस इज इट गाइस ये हमारे कलंक की परिवार एंड अभिषेक वर्मा जो निर्देशक है इस फिल्म के वो नहीं आ सके आज क्योंकि वो बिजी है मिक्सिंग में पर हम लोग ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हम लोग चाहते कि आप हमसे प्रश्न पूछे जो भी आपके दिल में प्लीज पूछे क्योंकि अभी आप लोग ने ट्रेलर देखा है सारे जो कार्ड्स है खुल चुके हैं तो जो पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं मुझे मुझे एक सवाल पूछना है आप सबसे ट्रेलर कैसा लगा ओके सो या वी कैन हैव द क्वेश्चंस ओपन माइक एनीबडी हैज अ माइक योर लेफ्ट राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा मेरा सवाल सबसे है सर कलंक के बारे में आप तो जानते कि कुछ कलंक ऐसे होते हैं जिसका हकदार इंसान होता है पर कुछ कलंक ऐसे होते हैं जो थोप दिए जाते हैं तो कलंक को लेकर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है सबसे पहले संजू सर से शुरू करते हैं सर जी सर मैं तो कलंक क्यों है नहीं सर कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोप दिए जाते हैं सर तो सर पहले आप शुरू काम आया भी लेकिन अभी वो कलंक साफ हो गया सर तो सब अपने अपने एक्सपीरियंस वरुण सर आपसे नहीं जैसे कि आपने कहा बहुत सही कहा कलंक एक इट्स लाइक अ स्टिग्मा और कभी कभी प्यार को भी उसके साथ एसोसिएट किया जाता है यू नो कभी कभी प्यार को भी वो नाम दिया जाता है कि जो लोगों को लगता है कि उनका प्यार है दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं ये कलंक है बट हमारी जो फिल्म है दिस सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ लव और जब आपको प्यार की शक्ति मिलती है आप कोई भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हो माधुरी मैम कलंक अभी क्या कलंक मुझे लगता है कि व्हाट वरुण धवन सेड इज वेरी ट्रू कि इस फिल्म में डिटो बोलूंगी मैं क्योंकि इनकी कहानी ऐसी है इसमें दिखाया है कि लव कॉन्कर्स ऑल बेसिकली तो प्यार हर कलंक को मिटा देता है